तो हेलो गाइस, मेरा नाम फैयाज है। आज मैं कुछ अलग वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अलग बोले तो बहुत अलग। आज मैं आया हूँ मेरे गुरु जी के पास, जो बहुत सारे बीमारियों का इलाज करते हो, और उनके पास सब इलाज जो है वो सब जड़ी बूटियों से होता है। और मेरे कमर में बहुत दिनों से दर्द था, तो जो मेरे साले साहब आसिफ है वो उनसे इलाज करा रहे थे, तो मुझे वो लेकर आए। उनके रेफरेंस से मैं आया हूँ। तो मुझे भी पट्टी लगाए थे तो मुझे बहुत आराम हो गया था। आज फिर दूसरी पट्टी लगाने आया हूँ मैं। चाहे कितनी भी पुरानी कमर की दर्द हो, उनकी गारंटी है कि वो ठीक कर देते। मैं आपको दिखाऊंगा ये वीडियो में, और उनसे मिलाता भी हूँ मैं। कोई भी बीमारी हो, तो ये देखो, ये कैंसर हो, घर तक शिकायत हो। जी, आपका नाम? प्रभुनाथ मिश्रा। प्रभुनाथ मिश्रा, हमारे बहुत ही पुराने, समझ जाना एकदम पुराने उस्ताद है ये। यूपी के आसिफ भाई, देखो अभी देखो मुझे पट्टी लगाएंगे गुरुदेव। यहाँ पे जो मेरा कमर का जो ये हिस्सा है ना, पूरा इतना दर्द हो रहा था बाइक चला चला के जो है, और पूरा पट्टी लगाते हैं वो। और पैसा भी इनका ज़्यादा चार्ज नहीं है। एक ले ले बाबा, हम एक पैसा किससे लेते नहीं, पैसा लेते नहीं है गुरु जी। गुरु जी आप अपने बारे में कुछ बताइए। गुरु जी का तुम इतना पैसा कमाएगा ना, किधर रखेगा कुछ पता नहीं। गुरु जी का जो है ना, बच्चों हाँ दोस्त से बोल, ये एकदम गुरु जी सही बोले। देखिए गुरु जी बोले है कि मैं बहुत कामयाब बनूंगा, लेकिन अपने दोस्तों से दूर रहो। ये हड्डी है ना, ये हड्डी देखो ऊँची है ना, ये हड्डी ऊँची है ना, ऐसा ऊँच हो गया था। अभी देखो सब बैठ गई है। अभी देखो ये देखो, अब ये पॉइंट दबा देखो, और ये देखो ये बाहर आ गया था। अभी एकदम अच्छा है, बोलो। तो ये है हमारे गुरुजी का इलाज, बहुत अच्छा करते हैं। आसिफ भाई का भी बहुत, आसिफ भाई को तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने बोला था, लेकिन है ना उनको ऑपरेशन से बचाया हमारे गुरुजी ने। पट्टी उट्टी लगा के एकदम, अभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आसिफ भाई को तो बहुत आराम है ना आसिफ भाई, एकदम आराम है अभी, बहुत 90% तक आराम है। अरे क्या हुआ, चाहे गाड़ी से लड़ने ठकराने से, चाहे झगड़ा से, एक घात गई तुम्हारा, अभी घात नहीं है तुम्हारे ऊपर। नहीं, वो गाड़ी से ही हुआ है गुरु जी। हाँ, एक घात गई तुम्हारे मगज से मैं उतार रहा है, समझ गया। तो आप मेहरबानी करके अभी गाड़ी संभाल कर चलाओ बाबा। यूपी का माहौल है तुम, यूपी का दमाद। अच्छा, वो बाइक चला चला के सब हुआ था। वो खड्डे में, अपन पास में खड्डे में घुसा देते हैं। दवा दिया था, नहीं खाते हैं क्या? नहीं, दवा खाता हूँ ना गुरु जी, वो दवा दिए थे। पेशाब में जो जलन हो रही थी वो भी एकदम बंद हो गया। बंद हो जाएगा, हम सोच करके दवा दिया तुमको, बता के। गुरु जी की मेन सोच बहुत अच्छी है। हा? वो किसी में भी जो है ना अंतर नहीं करते, चाहे कोई भी इंसान आए, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान तक का सबका इलाज करते। और जात पात तो उनके तो समझ लो कि उनके खून में नहीं है। वो इतने अच्छे से वो सबका देखभाल करते हैं, जैसे कि अपने घर के बच्चे हो। सब बच्चा समझ के हम सेवा देते। इनकी औरत रोज बीमार रहती थी, बोलो। अभी हम 400 का दवा दिया है, अच्छी है। एक महीने का 400 की दवा है। कितना खोजा, लोगों को बना दिया, एकदम अच्छा हो गया। आप दवा कराइए, किसी भाई को है कमर में दर्द, पैर में दर्द, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, कैंसर, कोई भी बीमारी है, हमसे राय ले, और हम वो पद्धति से उनका इलाज करेंगे, पैसा कम लेंगे, वो भाई अच्छा हो जाएंगे। क्या बात है, क्या हाँ, और सब खुदा के ऊपर सेवा करते हैं, जाने तो जो करे वो भरे। तो गाइस, देख चुके हो आप हमारे गुरु जी को, आप भी आके उनसे फ़ायदा या लाभ उठा सकते हो। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मैं बस यही बताना चाहता था कि जो मेरा इलाज कर रहा था, तो मैं सोचा कि आप लोगों से भी मैं शेयर करूँ। अब तो मेरा शायद ये आखिरी पट्टी है, अब इसके बाद शायद अब मैं ना आऊँ। बाय बाय।